जैसा आप हैरियर सफारी में फील करते हैं ना, वो ही फील आएगा और वैसा ही पुशबैक आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। हाइब्रिड के काफी क्लोज है, ईवी के काफी क्लोज है, 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी एग्जिस्टिंग बुकिंग पे भी और न्यू बुकिंग पे भी। उल्टा ये फेक के पीछे मार रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि कुछ टाइम पहले हमने हाइब्रिड कार का माइलेज टेस्ट किया था, उसका काफी अच्छा माइलेज भी आया, लेकिन दिक्कत ये है कि बड़ी महंगी हो जाती है हाइब्रिड कार खरीदने के लिए किसी एक आम इंसान के लिए, और उसके ऑप्शन भी काफ़ी कम अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। लेकिन चलने वाले तो बहुत हैं जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है और उन्हें परफॉर्मेंस से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, उनके लिए अभी भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो है डीजल। आज हम इस डीजल गाड़ी का जो है माइलेज टेस्ट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ये है नेक्सॉन, और मैं साथ के साथ अफोर्डेबिलिटी की भी बात कर रहा था। अफोर्डेबल वेरिएंट भी है आज इसका हमारे पास, जो कि सामने खड़ा है आपके, ये है स्मार्ट प्लस। टाटा मोटर्स ने अभी अभी इसको इंट्रोड्यूस कराया। इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 9,99,000 रुपये, और साथ के साथ पेट्रोल पे भी करा है, और उसकी शुरुआती कीमत है 7,99,000, और उस वेरिएंट का नाम है स्मार्ट ऑप्शनल, और ये है स्मार्ट प्लस। स्मार्ट प्लस की खासियत ये है कि आपको बाहर से कुछ छिड़वाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस में भी ऑटोमेटिक आ चुका है पेट्रोल में, और उसकी जो कीमत है 9,70,000 रुपये एक्स शोरूम है। और डीजल में भी AMT आपको प्योर वेरिएंट से अब मिलने लग जाता है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत है 11,80,000 रुपये, और जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी 24 किलोमीटर पर लीटर से भी ज्यादा क्लेम करती है टाटा मोटर। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, नेक्सॉन भारत की नंबर 1 SUV है, इसका अभी 7वां साल चल रहा है और 7 लाख यूनिट इसकी बिक चुकी है, और अपने सेगमेंट में ये लगातार 3 सालों से सेगमेंट लीडर है। और बात है 2018 की, नेक्सॉन भारत की पहली 5 स्टार रेटेड कार बनी थी ग्लोबल NCAP में, जिसने बेंचमार्क क्रिएट करा था ताकि दूसरे ब्रांड्स इसको फॉलो कर पाएं। फिर से फरवरी 2024 में न्यू जनरेशन नेक्सॉन ने फिर से 5 स्टार स्कोर करा था ग्लोबल NCAP में, वो भी एनहांस 2022 प्रोटोकॉल के तहत। और हाँ, नेक्सॉन को अभी तक 41 अवार्ड मिल चुके हैं। और एक मजे की बात और बताता हूँ, 2022 से 2023 तक इसकी 3 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल हुई थी। इस गाड़ी के इतने सारे अचीवमेंट है, इसका मतलब ये है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि जो लोग डीजल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये ऑप्शन टाटा मोटर ने दे दिया है डीजल स्मार्ट प्लस का। और आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इंडिया में किसी भी शोरूम पे आप चले जाइए, आपको नेक्सॉन में 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी एग्जिस्टिंग बुकिंग पे भी और न्यू बुकिंग पे भी। नेक्सॉन लेने का काफी सही समय है और टाइम आपके पास काफी कम है। अब इसमें फीचर्स की मैं बात करूं, फीचर्स से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी खासियत। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है गाड़ी में, अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल काफ़ी अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है 208 mm का। फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प्स और LED DRL देखने को मिलेगी। पीछे आपको मिलने वाली है कनेक्टेड टेल लैंप और पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे इसमें। और इधर देखिए आप, शार्क फिन एंटीना भी इसमें आपको मिलेगा, और इसमें आपको मिलता है 382 लीटर का बूट स्पेस। इसके बूट में आपके बड़े वाले सूटकेस भी आ जाएंगे। जब आप अपनी फैमिली के साथ किसी लंबी ट्रिप में जाएंगे ना, आपको सामान रखने की कोई चिंता नहीं होगी। और डीजल इंजन का जो एवरेज है काफ़ी अच्छा है, 23.23 किलोमीटर पर लीटर का जो टाटा मोटर है वो क्लेम करती है। हम चलाकर देखेंगे कि कितना निकालती है, वो सच आपके सामने आ जाएगा। ड्राइव मोड्स इसमें मिल जाते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड, और साथ के साथ आपको इसमें बेस वेरिएंट से ही अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग, ESP, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड सारे फीचर्स, और साथ के साथ 3-पॉइंट सीट बेल्ट, सेंट्रल लॉकिंग भी इसमें आपको मिल जाती है, और इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम फैक्ट्री फिटेड मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अच्छी खासी साउंड क्वालिटी भी है उस इंफोटेनमेंट सिस्टम की, आपने तो सुना ही होगा। 4 स्पीकर के साथ आता है, जिसमें कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग में आपको कंट्रोल मिल जाएंगे और चारों पावर विंडो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी जो टाटा मोटर्स ने अभी नए नए वेरियंट इंट्रोड्यूस करे हैं। अब करते हैं अपने मुद्दे की बात, इस गाड़ी को चलाते हैं, काफ़ी लंबा चलाएंगे हम इसको, हिल्स में भी चलाने वाले हैं, इसको ख़राब रास्तों पे भी चलाने वाले हैं, और साथ के साथ फ्यूल एफिशिएंसी तो हम टेस्ट करेंगे। ये है डीजल मैनुअल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। ओके, तो सबसे पहला काम करते हैं इस गाड़ी का डीजल फुल करवा लेते हैं, उसके बाद हम माइलेज टेस्ट कर पाएंगे।
ओके, ट्रिप ए को मैं कर देता हूँ जीरो और ट्रिप बी को भी मैं जीरो कर देता हूँ चलाने के बाद। और गाड़ी चली है 6712 किलोमीटर। अब इसको चलाते हैं लंबा, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास, फिर देखते हैं। ओके, आप लोग ट्रैफिक देख सकते हैं आगे। ट्रैफिक देखने के बाद मेरे MID में भी देख लीजिए आप, 24.2 किलोमीटर पर लीटर। बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज है सिटी के अंदर। और सिटी की हालत देखो, इतने अच्छे से ट्रैफिक चल नहीं पा रहा है, स्टॉप गो टाइप का ट्रैफिक है। एवरेज गिर के आ चुका है 21.7 के आसपास और ये अभी भी लाल दिखा रहा है। डीजल गाड़ी का यही फायदा होता है। और ये अभी सब कवर हो जाएगा। हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और मैंने सोचा था कि यार इसको 90-100 पे क्रूज करूंगा, लेकिन आप आगे देख सकते हैं गाड़ियां बहुत ज़्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, इतनी तेज़ स्पीड में हम चला नहीं पा रहे। लेकिन थोड़ी देर पे आगे चौड़ा हाईवे आएगा तो वहां पर हम गाड़ी को दौड़ाएंगे लगभग 90-100 की स्पीड में, तब देखेंगे कितना एवरेज निकल कर आता है। और मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ, क्यों? क्योंकि डीजल अभी भी जो है काफ़ी अफोर्डेबल है इन कंपैरिजन ऑफ आपकी EV और साथ के साथ जो हाइब्रिड कार है। दोस्तों, आप लोगों ने डीजल गाड़ी को हाईवे पे चलाने के मजे तो लिए होंगे, सेम मजे मैं ले रहा हूं अभी इस टाइम पे। बड़ा मजा आ रहा है नेक्सॉन को हाईवे पे दौड़ाने पे। और लगभग 131 किलोमीटर के आसपास मैं चल रहा हूं, चल चुका हूं मतलब। और एवरेज यहां पर आप देख सकते हैं 24.4 किलोमीटर पर लीटर, जो कि काफी जबरदस्त एवरेज है। इससे ये पता चलता है कि नेक्सॉन डीजल में ना तो माइलेज के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज है, ना ही परफॉर्मेंस के लिए। और आज पहले के कंपैरिजन में ट्रैफिक काफी ज्यादा है रोड में, हमें रोड खाली नहीं मिल पा रही है, कई बार काफी ट्रक चल रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारा जो मोमेंटम है वो ब्रेक कर दिया इन्होंने, जहां पर गियर की बार बार डाउन शिफ्टिंग आ जाती है, फ्यूल एफिशिएंसी वहां पर डाउन हो ही जाती है। अभी हम टोटल चल चुके हैं 198 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट, और 25.3 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये शो कर रही है। इतने जाम और कंजेशन के बावजूद इतना एवरेज ये गाड़ी निकाल रही है, तो इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी इससे, और इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद भी नहीं है। 25 का शो कर रही है, बस 25 का ये दे दे एक्चुअल में वो बहुत बड़ी बात होगी। देखते हैं डिफरेंस कितना आता है। और अभी लगभग हमको 37 किलोमीटर के आसपास ये दिखा रहा है। ओके, तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, आगे पेट्रोल पंप है। अभी यहाँ पर ट्रिप मीटर देख लीजिए आप, 240 होने वाला है और फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है 25.5 किलोमीटर पर लीटर। अब करते हैं कैलकुलेशन। डीजल आया 10.56 लीटर, गाड़ी चली है 240 टू बी एग्जैक्ट। तो हम करते हैं 240 डिवाइडेड बाई 10.56, 22.72 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज इसने निकाला है। और आप डिफरेंस देख लीजिए, मोटे मोटे तौर पे 3 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस यहाँ पर MID और एक्चुअल में आ रहा है। फिर भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एवरेज निकाला जिस हिसाब से ट्रैफिक था। अब ये देख लेते हैं कि रनिंग कॉस्ट कितना आया। डीजल आया है अभी 926 रुपये का डिवाइडेड बाई 240 किलोमीटर, यहाँ पर आ रहा है 3.85 रुपीज़ पर किलोमीटर का, जो कि हाइब्रिड के काफ़ी क्लोज है, EV के काफ़ी क्लोज है। अगर मैंने गाड़ी को थोड़ा सा तमीज़ से चलाया होता तो ये थोड़ा सा और क्लोज हो सकता था। तो आपने माइलेज तो देखा, माइलेज काफ़ी ज़बरदस्त निकाला इस गाड़ी ने। अब बात करते हैं गाड़ी चलती कैसी है। 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है ये इंजन और 113 BHP की पावर निकालता है। गाड़ी को मैंने पहले से स्पोर्ट्स मोड में डालकर रखा है,
तो इसको हम फुल पोटेंशियल के साथ चलाएंगे। इसकी मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक जितना चलाया मैंने काफ़ी इंजॉय करा इसको हाईवे पे, लेकिन जब बात आती है आउटराइड परफॉर्मेंस की उसमें भी ये इंजन कम नहीं है। देखना इसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगी हुई है, आइडल में आपका जो है एक्सलेटर पेडल अगर आप दबाओगे आरपीएम आपके पूरे 4000 तक चढ़ते हैं। जबरदस्त। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ नहीं कर सकते। पुलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी। 4000 आरपीएम के बाद जो है पावर डिलीवरी उतनी कुछ खास नहीं रहती है। ये जो नेचर है डीजल इंजन का रहता है, क्योंकि हाई रेविंग इंजन नहीं होते हैं डीजल इंजन, ये ज़्यादातर आपको सभी में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मिड रेंज का फुल आप इंजॉय कर पाएंगे इसके, मिड रेंज का ज़बरदस्त। जितना इस इंजन की साउंड बाहर आती है ना उतना अंदर नहीं आती, आप जज कर पा रहे होंगे, बट जितनी साउंड आती है उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी देता है, आपको अच्छा लगेगा। जैसा आप हैरियर सफारी में फील करते हैं ना वो ही फील आएगा, और वैसा ही पुशबैक आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। मतलब हैरियर सफारी लेने का बजट नहीं है तो 10 लाख में आप जो है डीजल नेक्सॉन लेके उसके जैसे मज़े ले सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। जबरदस्त, मज़ा ही आ जाता है। ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त, बिल्कुल स्ट्रेट जाके रुकी गाड़ी। तो कहने का मतलब है परफॉर्मेंस के मामले में आपको ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। जिन्हें माइलेज के साथ परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए तो बिल्कुल फिट बैठती है ये, और स्टेबल तो ये गाड़ी है ही, नो डाउट। स्टेबिलिटी, सस्पेंशन और उसकी राइड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो बात करते हैं सिटी में ये गाड़ी चलती कैसे। सिटी में अभी मैं इसको चला रहा हूँ, हाईवे पे तो खूब मज़े दिए, डीजल इंजन देता ही है मज़े हाईवे पे। तो सिटी में इसको जो है ना प्रॉपर गियर पे आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है टर्बो लैग है इस गाड़ी में, लेकिन उसके बाद जो टर्बो का बूस्ट है वो भी ज़बरदस्त मिलता है, और जिस गाड़ी में ज़बरदस्त बूस्ट मिलता है उसमें फील भी ज़्यादा होता है टर्बो लैग। देखो ऐसे ओवरटेकिंग कर सकते हो उसमें आसानी से आप। अब 100 की स्पीड में कितने आरपीएम पे क्रूज करती है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये गाड़ी 100 की स्पीड में लगभग 2100 आरपीएम पर क्रूज करती है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ डीजल नेक्सॉन फन टू ड्राइव है, आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा, फ्यूल एफिशिएंसी तो ये देती है। तो हम लोग घूमते घामते आ चुके हैं पहाड़ों की तरफ, और ये अपनी वही फेवरेट लोकेशन है जहाँ पर पतला रास्ता है, चढ़ाई खूब ज़्यादा है, जहाँ पर गाड़ियों का असली टेस्ट होता है, असली नकली नहीं। तो अब चलाते हैं इसको, यहाँ पर थोड़ी देर में चढ़ाई आ जाएगी। और अभी मैंने इसको सिटी मोड में लगाया हुआ है, स्पोर्ट्स में बाद में चलाकर देखेंगे। तो ये चढ़ाई शुरू यहाँ से, और चढ़ाई में ये अच्छा प्रदर्शन करते हुए सिटी मोड में, और स्टेबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी, जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ। सस्पेंशन भी अच्छे। ये रोड ना मेरी फेवरेट रोड है, गाड़ी की असलियत पता चल जाती है यहाँ पर लाने पे, कैसी है, क्या है, कहाँ पर लैग कर रही है। और जबरदस्त पुलिंग तो काफी अच्छी है सिटी मोड में भी। मजेदार। अब मैं इसको डाल देता हूँ स्पोर्ट्स मोड में, और ताजुब की बात यह है कि BS6 फेज 2 आने के बावजूद भी इस इंजन में DEF यूज नहीं होता। आपके शहर में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना 10 साल वाली, तो डीजल इंजन वाली नेक्सॉन में इतना मज़ा आने वाला है आपको चलाने में, जैसा कि अभी मैं फील कर पा रहा हूँ, और ये बिल्कुल सही बात है। चढ़ते हुए भी व्हील स्पिन मार रही है ये, बहुत अच्छी पावर नो डाउट। हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है इतना ऊंचा बैठने के बावजूद, और साथ के साथ इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म कर रही है नो डाउट। और ये सारी चीज़ें आपको पता ही है क्योंकि नेक्सॉन आज से नहीं काफ़ी टाइम से मार्केट पे आ चुके, 2017 से, और नेक्सॉन की ये USP है, इसके सस्पेंशन के साथ साथ इसकी स्टेबिलिटी, हैंडलिंग वगैरह, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है इसका। टॉर्क स्टीयर हो रहा है, इतनी पावर है इसमें। तीन लोग हम गाड़ी पे बैठे हुए हैं और पावर की कोई भी कमी
नहीं लग रही है, उल्टा ये फेक के पीछे मार रही है, इतना इसमें पुशबैक है। सस्पेंशन थोड़े से हार्डर साइड में है, लेकिन उससे राइड क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता उतना खास। तो यही था दोस्तों, ये चेक करना चाह रहा था मैं कि नेक्सॉन डीजल चलती कैसी है। इतना लंबा हमने पहले कभी नहीं चलाया, बहुत इंजॉय करा और ज़्यादा खर्चा भी नहीं करा रही है, सबसे अच्छी बात ये है। और साथ के साथ इसकी जो शुरुआती कीमत है अब काफ़ी कम हो गई है। अब आप अपनी फेवरेट गाड़ी नेक्सॉन डीजल 9,99,000 एक्स शोरूम से ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्सॉन डीजल का स्मार्ट प्लस जो वेरिएंट है काफ़ी सही प्राइस में है, आपको प्रॉपर वैल्यू मिलती है, परफॉर्मेंस मिलती है, माइलेज मिलती है। और अगर सही टाइम पे आपने अभी एक गाड़ी खरीद ली तो आपको 1,00,000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, मुझे आपको डीजल नेक्सॉन के बारे में बताना था कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, कितनी फ्यूल इकोनॉमी आपको ये निकाल कर देती है। आप अगर डीजल नेक्सॉन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और देखिए नीचे कितना अच्छा व्यू है, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से नीचे।